हम स्टार्ट करेंगे मैनेजल का लेक्चर नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजरियल डिसीजन लेक्चर 3। स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 5। ग्रीन लिमिटेड प्रोड्यूस 20,000 यूनिट्स, ठीक है ना? तो हम कितने यूनिट बना रहे हैं? 20,000 यूनिट्स ऑफ अ पार्ट नंबर 47, ठीक है ना? एवरी मंथ, ध्यान दीजिएगा, ये जो सम दिया है ये मंथ के हिसाब से दिया है, ठीक है ना? एंड यूज्ड इन असेंबलिंग अ प्रोडक्ट, इट्स कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर इज एज फॉलो। ओके, अगर हम इसका कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि हम खुद बनाते हैं तो असेंबल करने का वेरिएबल कॉस्ट लगता है 10 रुपये का, फिक्स कॉस्ट है 5 रुपये का, यानी ओवरऑल कॉस्ट पड़ता है हमें 15 रुपये का, ठीक है ना? चलिए, अब दिया है इट प्रपोज टू ऑप्टेन द पार्ट फ्रॉम ओपन मार्केट इज 12। अच्छा, अगर हम मार्केट से खरीदते हैं तो हमें 12 रुपये का पड़ेगा, ठीक है, पर यूनिट। इट इट इज़ पॉसिबल, ठीक है ना? पहला, टू हायर आउट द आइडल फैसिलिटीज। आइडल मतलब जो भी स्पेस है अगर हम नहीं बनाते हैं तो वो आइडल हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा, तो उस जगह से हम 30,000 पर मंथ अर्न कर सकते हैं रेंट पे देके, राइट है ना? अगर हम खुद ना मैन्युफैक्चर करें तो 30,000 हमें पर मंथ इनकम होगी, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है? तो पहले हमें ये बताना है कि हम खुद बनाएं या बाहर से परचेस करें इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो यहां पर हमें बताना है मेक और बाय, ठीक है ना? अब दूसरे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एक्स एक्स यूजिंग द आइडल फैसिलिटीज 5,000 यूनिट पर मंथ। अच्छा, कैन बी प्रोड्यूस एट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹40। वो कह रहा है कि हम अगर हर महीने 5,000 यूनिट बनाते हैं और उसका वेरिएबल कॉस्ट आएगा ₹40 का ईच, विच कैन बी सोल्ड ऑफ ₹50, और उसको हम कितने में बेच सकते हैं? ₹50 में बेच सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में भी इग्नोर, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं है। तो अब हमें बताना कि अगर मैं 5,000 यूनिट बनाता हूँ पर मंथ और उसको मैं वेरिएबल कॉस्ट ₹40 मेरा खर्चा होता है और मैं उसको 50 में बेचता हूँ, तब भी क्या मुझे प्रोडक्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, या फिर मुझे बाहर से खरीदना चाहिए? इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो पहले हम ए का सोल्यूशन देखेंगे, बाद में हम बी का सोल्यूशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा सम है। हम जितने भी सम करेंगे उसमें आपको वही याद रखना है कि फिक्स कॉस्ट को दोनों में कंसीडर किया जाता है, तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं की जाती है एट द टाइम ऑफ कंपैरिजन, ठीक है ना? तो सेम फॉर्मेट है, सब कुछ सेम है, जैसा कि हमने पहले वाले चैप्टर्स में अभी तक किए हुए हैं, ठीक है ना? कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, पहला आ जाएगा आपका मेक और सेकेंड आ जाए आपका बाय। फिर आ जाएगा आपका सेविंग, पर्टिकुलर। चलिए, अगर आप ये प्रोडक्ट खुद बनाते हैं तो पहले आपको पे करना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना? जैसा कि हमें समय ऊपर दिया हुआ है, तो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट का ₹10। इट मीन्स हम कुल मिला के कितने यूनिट्स बना रहे हैं? 20,000। तो 20,000 इंटू 10, तो ये हो गए आपके ₹2,00,000, ठीक है ना? उसके अलावा आपका लगेगा फिक्स कॉस्ट,
और फिक्स कॉस्ट है 5 रुपीज़, तो 20,000 इंटू 5 यानी कि 1 लाख रुपए। उसके अलावा और कोई भी कॉस्ट नहीं है, इसका मतलब ये हम पर मंथ में बात कर रहे हैं 20,000 यूनिट की, तो ये 20,000 यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये कुल मिलाकर हमें जो कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 3 लाख रुपीज़, अगर हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इसको बाहर से बाय करते हैं तो हमारा आ जाएगा परचेस कॉस्ट, कितने यूनिट, 20,000, और बाहर मार्केट में ये अवेलेबल है 12 रुपीज़ के हिसाब से। सो 20,000 इंटू 12 मीन्स 2,40,000 की। फिलहाल हम ए वाले का सोल्यूशन दे रहे हैं, तो ए वाले सोल्यूशन में इसके अलावा 30,000 की इनकम भी होगी अगर मैं बाय करता हूँ तो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी आपकी इनकम जो कि आपकी रेंटल इनकम कहलाएगी, 30,000 पर मंथ है और हम सम भी सम पर मंथ के हिसाब से कर रहे हैं, इसके लिए हम 30,000 लेंगे। यानी कि अगर आप बाहर से खरीदते हैं तो 2,40,000 तो आपकी इनकम होगी, बट सॉरी एक्सपेंस होगा, बट 30,000 आपको इनकम दे होगी, इसीलिए हम इसको माइनस कर ले। अच्छा, चाहे आप खरीदे चाहे आप बनाए, 1 लाख रुपए का खर्चा तो आने वाला ही है फिक्स हुआ, फिक्स कॉस्ट का। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको जो खर्चा आएगा वो आएगा 3,10,000 रुपये का, ठीक है ना। यानी कि बनाने पे खर्चा है 3 लाख रुपए और बाय करने पे है 3,10,000। अब हम ओवरऑल सेविंग देखते हैं। अब पहले हम बात करेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए। फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो दोनों में इक्वल ही लगता है, इसीलिए उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं, परचेस कॉस्ट है 2,40,000 और इनकम है 30,000 की। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि बनाने में खर्चा आएगा 2 लाख रुपए और अगर हम उसको बाहर से खरीदते हैं तो खर्चा आएगा 2,10,000 रुपए। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर 10,000 रुपए की सेविंग आ जाएगी, ठीक है ना। तो फिलहाल तो अगर एक हिसाब से बात किया जाए तो हमें वो प्रोडक्ट खुद बनाना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, सिंपल सा सम था। इसका नोट आ जाएगा, इफ कंपनी मेक प्रोडक्ट देन प्रॉफिट और सेविंग विल बी रुपीज 10,000। तो यहां पर हमारा डिसीजन होगा कि हम उसको खुद से बनाएं। अच्छा, अब प्रॉब्लम है बी वाले में, ध्यान दीजिएगा बी वाले का सोल्यूशन क्या है। टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एक्स यूजिंग द आइडल फैसिलिटी 5,000 यूनिट पर मंथ। अच्छा, अगर हम 5,000 यूनिट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, कैन बी प्रोड्यूस एट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 40 रुपीज़, और उसका वेरिएबल कॉस्ट होगा 40 रुपये का, और हम उसको बेच ही देते हैं 50 रुपये में, ठीक है ना। अब वापस से सेम चीज़ यहाँ पर आ गई कि हम अब हम यहाँ पे बी के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदें कि नहीं खरीदें, ठीक है ना। चलिए देख लेते ज़रा बी का पॉइंट, बी क्या कहता है। ये हम वहाँ पर भी सॉल्व कर सकते थे, बट फिलहाल ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, इसीलिए मैं अलग से फॉर्मेट बना रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर से वापस यहाँ देखते हैं, मेक बाय और
सेविंग। तो ये आ जाएगा हमारा बी का। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें इम्पोर्टेंट है, इसको समझना। ठीक है, अगर हमें सब में इन्फॉर्मेशन दिया है कि हम कुल मिलाकर कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं, 5000। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम अगर बनाने की बात करें तो कुल मिलाकर उसने इन्फॉर्मेशन दिया है कि हम 5000 बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, देखिए ज़रा, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया 5000 यूनिट की। ठीक है ना, और उसको हम वेरिएबल कॉस्ट लगेगा 40 रुपये और बेच देंगे उसको 50 रुपये में। ठीक है ना, चलो इतना सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके बेस पर हमें सम करना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट जाएगा, और यहाँ पर हम सिर्फ 5000 यूनिट की ही बात कर रहे हैं कि एक साल में, सॉरी एक मंथ में हम 5000 यूनिट ही बनाएंगे। ठीक है ना, सो 5000 इंटू वेरिएबल कॉस्ट है 40 रुपये का, यानी कि 2 लाख रुपए। ठीक है ना, अब दूसरा आ गया, हम इसको कितने बेच देते हैं, तो सेल्स होगा ये 5000 इंटू 50 के रेट से, यानी कि 2.5 लाख रुपए के हिसाब से। ठीक है ना, तो ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर हमें 50000 का प्रॉफिट हो जाएगा अगर हम बनाते हैं तो। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारी प्रॉफिट। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट था, इसीलिए हमने ये अलग से फॉर्मेट बनाया, वरना हम ऊपर के फॉर्मेट नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर हम बाय की बात करें तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि कुल मिलाकर हमें जो खर्चा आ रहा था बाय करने पे, ठीक है ना, वो तो हमने ऑलरेडी ऊपर बना लिया है, और बाय करने पे जो खर्चा है वो है आपका, अगर 1 लाख रुपए को छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो हमें दिखा रहा है कि 2,40,000 क्या है हमारा बाय करने का खर्चा है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि हम इसमें जो बात कर रहे हैं वो 20,000 यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर फिलहाल 20,000 यूनिट के हिसाब से ही चल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को चेंज कर दिया गया है, तो बाय करने का जो खर्चा है वो है कितना, 2,40,000। ओके, तो ये आ जाएगा आपका परचेज कॉस्ट। तो परचेज कॉस्ट है आपका 20,000 यूनिट 12 रुपीज के हिसाब से, यानी 2,40,000। ठीक है ना, राइट है। अच्छा, अगर आप इसको बाय करते हैं तो आपका ये जो प्रॉफिट है कितना, 50,000 का, ये तो चला जाएगा, बराबर है। सो हम क्या करेंगे, 50,000 इसमें और ऐड कर देंगे, यानी कि 2,90,000 ये आपका खर्चा पड़ जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो 50,000 जो क्या आ जाएगा इसका, इसका जो प्रॉफिट है ये आप इस वाले केस में लॉस कहलाएगा, क्योंकि आप खुद बना नहीं रहे हैं। ठीक है ना, आप सॉरी आप खुद नहीं बना रहे हैं, आप बाय कर रहे हैं। ठीक है ना, बट कहीं ना कहीं पे आप इसको खरीदने के बाद बेचेंगे तो हम इसको भी 50,000 यहाँ से माइनस कर देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो आपका वही है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेचने पर प्रॉफिट तो आपको 10,000 ही होना है। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपको जो कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी 2,10,000 की। ठीक है, खरीदने का कॉस्ट। अब हम बात करते हैं ओवरऑल कितना आएगा, तो यहाँ पर बनाने का खर्चा आएगा 2 लाख रुपए, और यहाँ पर बनाने का खर्चा आएगा 2,10,000, सॉरी बाय करने का खर्चा। ठीक है ना, तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे आपकी 10,000 की सेविंग होगी। कौन से केस में, वेरिएबल के केस में, मतलब बनाने के केस में, इफ मेक प्रोडक्ट। ठीक है ना, अच्छा अब इसमें बचता है आपका
10,000 ओके सो सॉरी कहाँ थे हम यहाँ पे थे सो सॉरी एक बार वापस देख लेते हैं ध्यान दीजिएगा कि कुल मिलाकर हमें यहाँ पर 50,000 का प्रॉफिट था ठीक है। अगर हम इसको बाहर बेचते हैं ठीक है ना तो सॉरी ये माइनस करने पे 2,10,000 आ जाएगा सो सॉरी मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था ये ध्यान दीजिएगा आप तो 1,90,000 आएगा उस कैलकुलेशन मिस्टेक से हमारे आंसर से लगा रहे थे ठीक है ना। देखिए कुल मिलाकर हमें यहाँ पर 50,000 का प्रॉफिट होगा अगर मैं खुद बनाता हूँ तो, लेकिन बाय करने पे 2,40,000 में से 50,000 का प्रॉफिट तो हमें है ही है, तो यहाँ पर बाय करने पे कॉस्ट आएगा 1,90,000। तो इसका मतलब 90,000 1,90,000 का खर्चा आएगा हमें क्या करने पे है खरीदने पे, और बनाने पे आया खर्चा आएगा 2,00,000 रुपीज़। तो 10,000 क्या कहलाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा आपका लॉस अगर आप क्या करते हो इस प्रोडक्ट को बनाते हो तो लॉस इफ मेक अ प्रोडक्ट ठीक है ना। तो इसके बेस पे हम डिसीजन दे देंगे, डिसीजन आपका होगा सेकंड वाले का इफ कंपनी बाय प्रोडक्ट देन प्रॉफिट और सेविंग विल बी ₹10,000। तो हम यहाँ पे डिसीजन दे रहे हैं कि हम यहाँ पे बाय करेंगे, और इसके पहले वाले में हमारा डिसीजन था कि हम प्रोडक्ट को बनाएंगे ठीक है ना। ये हमारा पहले का डिसीजन था ठीक है ना। चलिए आप ही लिख लीजिएगा, थैंक यू सो मच। ये हमारा पूरा आंसर आ जाएगा, तो आप स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिएगा। सेकंड का आंसर